राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, लास्ट वीडियो से हमने बीएसटी की बात शुरू करी थी, तो आज बीएसटी पर ही पहला क्वेश्चन भी देखेंगे। और क्वेश्चन के टाइटल से आप समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है और क्यों है क्वेश्चन का जरूरत, ये सब हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में ही। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। वेल, द क्वेश्चन इज एज यू अ वेरी ऑब्वियस, वैलिडेट बाइनरी सर्च ट्री। अब जैसे हमें बाइनरी ट्री था तो उसमें हमें कोई लिमिटेशन नहीं था, कुछ भी हो बस उसका जो चाइल्ड है वो एक या दो को या फिर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0, 1, 2 यही सब चीज हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन था बाइनरी ट्री के लिए। बाइनरी सर्च ट्री के लिए लास्ट वाली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या सारे कंडीशंस होते हैं और मतलब सब चीज अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर हमें पता करना है कि ये गिवन ट्री बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं, तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट सब ट्री जो भी है उसमें उस नोड से, जैसे कि यहाँ पर अगर आ जाए तो इसका लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होना चाहिए, टू बिल्कुल से छोटा होना चाहिए। और इसके राइट सब ट्री में जो भी वैल्यू है वो टू इससे से बड़ा बड़ा होना होना चाहिए। चाहिए, राइट। और इसका लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है उसमें भी हर नोड के लिए यही बात सही होना चाहिए, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और लेफ्ट और राइट सब ट्री में सारा बात सही होने का मतलब, जैसे कि अब यहां पर मान ले यहां पर हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखें, राइट अगर इस सब ट्री को देखें तो 1 और 1 के राइट में उससे बड़ा 3, सही, सब कुछ सही लग रहा है, पर इसका जो पेरेंट बिल्कुल था 1 का वो ही 2 था, तो इसका कोई भी चाइल्ड अब 2 से तो बड़ा नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल कहीं पर भी 2 से बड़ा हो जा रहा है मामला, तो इसका मतलब ये एरर है, राइट। तो इसके बारे में हमने काफी अच्छे से बात किया था पिछले वीडियो में भी, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा इस वीडियो को। जल्दी से आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्या अप्रोच लगेगा उसके बारे में बात करते हैं प्रशांत से। प्रशांत, बिल्कुल शुभ। तो अगर शुभ हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देखें, सो जो लेफ्ट सब ट्री में कोई भी वैल्यू हम लोग एंटर कर सकते हैं, बस वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन रूट नोड होना चाहिए, राइट। राइट, और राइट सब ट्री में कोई भी वैल्यू हम लोग एंटर कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज सारे वैल्यूज जो होने चाहिए वो रूट से ग्रेटर होने चाहिए। तो कह सो सकते अगर हैं, हम लोग ऐसा कह राइट, सकते हैं हम लोग कि 2 से कम एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी इन द लेफ्ट सब ट्री, मतलब रूट से कम एंड ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, एंड सेम गोज विद द राइट सब ट्री ऑल्सो, दैट 2 से ग्रेटर और लेस देन इंफिनिटी। राइट। और ये टू सो पे ओपन ब्रैकेट है, राइट, टू इंक्लूसिव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल राइट। 2 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। राइट राइट तो यस, बस यही चीज है कि आपको ये तो चीज चेक करना ही है, आप उसका लोअर और अपर लिमिट दोनों डिसाइड करो। जैसे कि यहां पर इसके लेफ्ट सब ट्री में जो भी वैल्यूज होंगे वो माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में होने चाहिए, राइट। तो बिल्कुल अगर हम देखें 1 माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में ही है ना, बिल्कुल ये 2, ये 1, ये माइनस इंफिनिटी, राइट, भी रिप्रेजेंटेशन होता था, आप समझ रहे होंगे। अब अगर हम 1 के राइट में जाएंगे तो उसके लिए क्या रेंज होगा, इट विल बी 1 to 1 ओपन, और इसके बाद यहां पर इसका इनफाइनाइट नहीं लिखना है, इस बार बिल्कुल, क्योंकि राइट में हमें हम लिखना लोग को है, हर बार अपना मैक्सिमा और मिनिमा दोनों अपडेट करते जाना है। राइट। इसके लिए सो इनफाइनाइट का काम जो करेगा उसके ये 2, पेरेंट का होगा, राइट वही अपना अपर तो बाउंड होगा, सेम। यहां पर जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, और इसके राइट में जो भी वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक में होना चाहिए, और ये दोनों तरफ से ओपन बंद ब्रैकेट तक है, होना चाहिए। बिल्कुल राइट। और सेम गोज विथ इसके राइट में भी, अब इसके राइट में जो भी सारा वैल्यू ठीक है, होगा, राइट में 3 से बड़ा एंड लेस देन इंफिनिटी, और इसके लेफ्ट में टू वैल्यू से, जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए बट 3 से कम होना चाहिए। बिल्कुल राइट। तो हर जगह पे माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी का रोल देख रहे हो आप, चेंज हो रहा है, राइट। तो आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, और क्या ऐसा तरीका है
कि हम लोग काम करें और हर बार जाके हमें मतलब अपडेट होते जाए, हर सबट्री में अपडेट होते जाए, इसका क्या तरीका है? तो इसके बारे में सोचना, और मैं तो बोलता हूँ कि आप इसको लिख भी सकते हो, तो जल्दी से आ जाते कोड डिस्कशन वाले पार्ट पे। तो जिस तरीके से प्रशांत ने बात किया था, बताया था, बिल्कुल उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे किसी बाइनरी सर्च ट्री को कि वैलिड है या नहीं। तो हम क्या पास करेंगे? वेल, हम पास करेंगे रूट नोड, और हम पास करेंगे उसका लेफ्ट रेंज और राइट रेंज। लेफ्ट रेंज और राइट रेंज क्या है कि जैसे कोई एक नंबर है तो उसका मिनिमम कितना हो सकता है वर्सेस वो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका हम रेंज पास करेंगे। बिल्कुल और अगर इस रेंज से वो पार होगा, मतलब मिनिमम से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, मैक्सिमम से बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, इन बोथ द केसेस वो वैलिड नहीं होगा। और अगर ऐसा केस नहीं है, मतलब इसी रेंज के बीच में वो रूट का वैल्यू, वो नोड का वैल्यू, तो हम उसके लेफ्ट और राइट सबट्री में फर्दर कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं, लेफ्ट और राइट सबट्री दोनों। अगर ये सब वैलिड है तो वी कैन रिटर्न ट्रू, और अगर कहीं पर भी फॉल्स है तो वी कैन रिटर्न फॉल्स। बस यही बिल्कुल चीज करना है। अगर हम देखें, एक छोटा सा बात मैं पूछता हूँ प्रशांत, इधर बेस केस जो है नॉट इक्वल टू रूट, तो यहाँ पर कोई अगर हम ऐसे रूट पे चल जाते हैं जो कि नल को पॉइंट कर रहे हैं, नल है मतलब कुछ है ही नहीं, तो वहां पर हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए? शो, अगर वहां पे कोई ट्री ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, सो चेक करने का कोई बात ही नहीं बनता, सो रिटर्न ट्रू ओनली। देखो, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जब कोई वैल्यू हो और वो वैल्यू आगे पीछे कुछ दिक्कत कर दे रहा हो। अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई एम्प्टी रहे उससे हमें क्या दिक्कत है? पर अगर हो बिल्कुल तो गिवन रेंज के बीच में हो, बस हम ये चाहते हैं, नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं, तो इन दैट केस विल रिटर्न ट्रू। और ये एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने यहाँ पर क्यों ये रूट नहीं है तो ट्रू पास किया, फॉल्स कर दो। तो ये मतलब देखने का चीज है, बहुत ही सिंपल सा था पर फिर भी समझ में आना चाहिए। और ये अगर रेंज में नहीं है, या तो राइट रेंज में नहीं है या लेफ्ट रेंज में नहीं है, तो वी कैन रिटर्न फॉल्स। और इनिशियली तो हमने माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पास कर दिया, पर फर्दर जो कॉल्स होते जाएंगे उसमें खुद ब खुद सब चीज अपडेट होते जाएगा। जैसे कि बिल्कुल जब रूट के लेफ्ट को कॉल करेंगे हम लोग लेफ्ट सब ट्री में, तो उसका लेफ्ट क्या होगा? अभी भी माइनस इनफाइनाइट तो वो हो ही सकता है। मिनिमम को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मैक्सिमम को हम लोग वहां पे चेंज करेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट्स वैल्यू। राइट, और जब हम राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे तो उसका मैक्सिमम चेंज नहीं होगा, पर बिल्कुल हाँ उसका मिनिमम हम लोग चेंज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रूट वैल्यू। राइट। अब यहां से फर्दर अगर हम इसके लेफ्ट में कॉल करते हैं तो हम क्या सो करते एक वहां हैं? पे एक रिकर्सिव कॉल कॉल होता जाएगा, और अपना मिनिमम और मैक्सिमम अपने आप अपडेट होता जाएगा वहां पे। तो राइट, तो फिर भी एक बार बात कर लें कि क्या होता है यहां पर। एग्जांपल के लिए हम लोग दूसरे वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे से मतलब समझ में आ सकता है। राइट, एक बार इसमें भी देख लेते हैं प्रशांत, इसके जैसे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में का मतलब क्या है कि ऊपर का जो लेफ्ट वाला था उसको एज इट इज यहां पर उतार देना है, और राइट में बिल्कुल आएगा बिल्कुल ये इस रूट का वैल्यू। राइट, बिल्कुल तो यही चीज है, और आपको हर बार इसी तरीके से अपडेट करते जाना है। और जैसा प्रशांत ने बोला, एक बार सेकेंड एग्जाम्पल देखें, उसमें और अच्छे से बात क्लियर हो गया आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। हियर वी आर ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर देखें। तो जो रूट नोड का होगा लिमिट वो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। इसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट से 5 के बीच में होना चाहिए। सही है, बिल्कुल लेफ्ट राइट कुछ है नहीं, ट्रू ट्रू सब ट्रू, ये ट्रू, लेफ्ट सब ट्री तो वैलिड सब ट्री, वैलिड बीएसटी था। फिर राइट सब ट्री के फर्स्ट नोड में 5 से इनफिनिटी तक होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 है। यहाँ पर से सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देना, और देखो यहाँ पर एंड कंडीशन है, कोई भी एक फॉल्स बिल्कुल बिल्कुल हुआ तो खत्म कहानी। बिल्कुल सो बस इतना सारा कोड था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस कैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और सारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपडेट के लिए